हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन का हम सभी लोग काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और मेगा ऑक्शन हम लोगों को आज से एक महीने के बाद होते हुए देखने को मिलने वाला है। लेकिन मेगा ऑक्शन से पहले प्री ऑक्शन के रिगार्डिंग दोनों ही आईपीएल टीमों को लेकर इसके साथ ही कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट और अनाउंसमेंट हमें कुछ टीमों की साइड से देखने को मिली हैं, जो कि आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में बताऊँगा। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइज, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी जो अपडेट नंबर 1 निकल कर आ रही है, ये है मिचेल स्टार की तरफ से। मिचेल स्टार के आईपीएल में पार्टिसिपेट करेंगे या फिर नहीं, ये सवाल पिछले काफ़ी दिनों से हम सभी के दिमाग में घूम रहा था। हालांकि ऑलरेडी बहुत सारी स्पोर्ट्स की साइट्स इस बात को क्लेम कर चुकी थी कि मिचेल स्टार हमें मेगा ऑक्शन में अपना नाम देते हुए देखने को मिलेंगे, और आज फाइनली मिचेल स्टार ने खुद ही इस बात को कन्फर्म कर दिया है कि वो आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में अपना नाम देने वाले हैं। जहां पर स्टार्क ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि फिलहाल तो उनका पूरा ध्यान जो करेंटली सीरीज चल रही है उसके ऊपर ही है, लेकिन क्योंकि आईपीएल के ड्राफ्ट सबमिशन में अब 2 दिन ही बाकी रह गए हैं, तो ऐसे में सबसे पहला जो काम वो करने वाले हैं वो है कि इस ड्राफ्ट में वो अपना नाम देने वाले हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि उनको अब फर्क नहीं पड़ता आईपीएल का शेड्यूल कब है, लास्ट के 5-6 सालों में उन्होंने आईपीएल को स्किप किया है, और इस बार आप लोगों को वो आईपीएल स्किप करते हुए बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेंगे, जिसका मतलब है आप लोगों को मिचेल स्टार्क इस बार के मेगा ऑक्शन में देखने को मिलेंगे। कमेंट करके आप लोग बताइए, आप लोगों के हिसाब से कितने करोड़ रुपए में मिचेल स्टार्क इस बार बिकेंगे। क्या आपको लगता है कि अभी भी उनके लिए मेगा ऑक्शन में उतना ही क्रेज होगा जितना आज से 4-5 साल पहले हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है दो नई आईपीएल टीमों के रिगार्डिंग। जहां पर हमने आपको बताया था लगातार 2 दिन से हम आपको इस बात की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि बीसीसीआई प्री ऑक्शन की डेट को जल्दी करेगी। 25 तारीख के आसपास हमने आपको कहा था कि मैक्स टू मैक्स प्री ऑक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, और एग्जैक्टली यही हमें होते हुए देखने को मिला। क्योंकि आज ही बीसीसीआई ने दोनों ही टीमों को बोल दिया है कि 22 तारीख के शाम 5 बजे से पहले पहले इनको अपने 3-3 प्लेयर्स को सबमिट करना होगा, यानी कि प्री ऑक्शन आप लोगों को 22 तारीख शाम 5 बजे या फिर इससे इवन 1-2 दिन पहले भी देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही एक छोटी सी अपडेट और भी है कि लखनऊ की टीम हो सकता है आपको आज या फिर कल में अपना ऑफिशियल नाम डिक्लेयर करते हुए नजर आ सकती है। जहां पर हमने आपको सुबह वाली वीडियो में भी बताया था कि लखनऊ की टीम अपना नाम कुछ इस तरीके से रखने वाली है कि उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर इसकी एक छोटी सी आप लोगों के लिए हिंट भी डाल के रखा है, तो आप लोग उस फोटो को देख सकते हैं। उस फोटो में ये ऐसा लग रहा है कि या तो लखनऊ रेंजर्स या फिर लखनऊ पैंथर्स कुछ इस तरीके का नाम है, क्योंकि बीच में ए और एन के वर्ड हमें दिख रहे थे। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म रेडी अन्ना के बारे में, जहां आप लोग क्रिकेट और फुटबॉल और 160 प्लस गेम खेलकर लाखों करोड़ रुपए जीत सकते हैं। ये 85 ब्रांचेस पर ऑपरेट होती है, इसके साथ ही आपको 24/7 विड्रॉल भी मिलता है। यहां पर रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन की भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो अभी कमेंट में दिए गए लिंक से इनको अभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। अगली अपडेट निकल कर आ रही है श्रेयस अय्यर की तरफ से, जहां पर श्रेयस अय्यर हमने आपको बताया था कि दोनों ही आईपीएल टीमों में से किसी भी आईपीएल टीम के द्वारा शायद इनको पिक नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से मेगा ऑक्शन में आएंगे, और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम इनके पीछे ऑलरेडी टारगेट इनको करने वाली है, क्योंकि उनको कैप्टन की जरूरत है। और अब अपडेट्स के हिसाब से पंजाब किंग्स की टीम भी श्रेयस अय्यर को आपको टारगेट करते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि केएल राहुल की परफेक्ट रिप्लेसमेंट ये होंगे। इसके साथ ही ये टीम श्रेयस अय्यर और मयंक अग्रवाल को 2 भारतीय प्लेयर्स के तौर पर यूज करना चाहती है, जो कि आने वाले 3-4-5 साल तक इस टीम के साथ रहेंगे। और क्योंकि इसके बाद हमें मेगा ऑक्शन देखने को नहीं मिलेगा, तो श्रेयस अय्यर आपको पंजाब किंग्स की टीम के परमानेंट कैप्टन भी बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। कमेंट करके आप लोग बताइए अय्यर को आप लोग कौन सी आईपीएल टीम से देखना चाहोगे। तो ये वीडियो यहीं तक थी, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको जरूर कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।